राजधानी देहरादून में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल के नेता आम जन से संपर्क बढ़ाने में लगे हैं। बताने की विगत दिवस भाजपा द्वारा गांव चलो अभियान की शुरुआत की गई थी और यह अभियान 9 से 11 फरवरी तक चलाया गया। वहीं इसी अभियान के तहत ही भाजपा ने अपने 3000 सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर दिया है, जिसको लेकर प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी नवीन ठाकुर का कहना है कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं को बूथों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अंतर्गत सोशल मीडिया के कार्यकर्ता आम जनता से जुड़ने का काम करेंगे और विपक्ष द्वारा फैलाई जा रही भ्रामक खबरों पर अपनी नजर बनाए रखेंगे। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, मैंने कहा सोशल मीडिया की हमने टीम प्रदेश से लेकर बूथ स्तर तक खड़ी कर दी है और 3000 जो है पदाधिकारियों की नियुक्ति हमने पिछले 6 महीनों में की है। अब अगला जो चरण है, उन सभी 3000 पदाधिकारियों को लगातार प्रशिक्षित किया जा रहा है, उनको जो है लोकसभा के लिए तैयार किया जा रहा है कि विपक्ष द्वारा तो अधिकांश भ्रामक जानकारी अगर सोशल मीडिया पर डाली जाती है तो हमारे जो योद्धा हैं वो तथ्यों के साथ उस जानकारी को जो है उसका मुद्दा उठाएंगे और उनका पर्दाफाश करेंगे, जो हमेशा सोशल मीडिया पर झूठी और भ्रामक खबरें चलाने का काम विपक्ष द्वारा किया जाता है।